मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं नुक्कड़ लाइव। फिलहाल इंडिया के अंदर सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुई थी। मोहसिन अंसारी जो कि गोवंडी के रहने वाले एक युवक है, उन्होंने एक वीडियो वायरल कर दी। मामला ये है कि गणपति का उत्सव चल रहा है और गणपति जो किट होती है राशनिंग में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। हर राशन की दुकानों पर जो है सरकार द्वारा एक जो कैरी बैग है वो प्रिंट किया गया है, जिसपे भगवान गणेश की मूर्ति छपी हुई है, जिसको लेकर के मुस्लिम युवक जो है मोहसिन अंसारी, उन्होंने अपने फेसबुक के ऊपर एक वीडियो वायरल की, जिसमें उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल पार्टी जो है इस तरीके से भगवानों के फ़ोटो का इस्तेमाल ना करे और इस तरीके से जो है राशन की दुकान से इस्तेमाल करने के बाद थैली जो है कचरे के कूड़ेदान में नज़र आएगी। ये वीडियो सोशल मीडिया पे इतनी ज़्यादा वायरल हो गई कि करीब 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने इसको लाइक किया है और 30,000 से ज़्यादा इसको शेयर हुआ है। करीब 9,000 लोगों ने कमेंट करके इसका विरोध किया। उसके बाद सोशल मीडिया के माध्यम से अलग अलग लोगों ने इस वीडियो को अपने अपने पेज पे उठा करके जो है पोस्ट कर दिया, जिसके बाद में जो है जो महाराष्ट्र की राजनीति में थोड़ा सा उछाल देखने को मिला है। कहीं ना कहीं जो है धर्म की राजनीति होती थी, हिंदुत्व की बात होती थी, लेकिन यही जो सरकार है, जो शिंदे सरकार है, उसने इस प्रिंट जो थैली है इसके ऊपर प्रिंट करके जो है ये मामले को जो है सामने लाया। लोग जिसकी वजह से नाराज़ है कि एक भगवान की जो है मूर्ति का जो फोटो है वो थैली के ऊपर प्रिंट है, उसी को लेकर के जो शिवाजी नगर मानखुर विधानसभा के अंदर जो है एक प्रोटेस्ट किया गया, जहाँ पे समाजवादी पार्टी के सारे ही कार्यकर्ता रोड पर सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए नजर आए और उनका यही था कि सरकार जो है इस थैली को डिस्पोज करे और वापस इसे ले, या तो फिर इसकी जो प्रिंट है या छपाई का काम है उसे रुका लिया जाए। यहाँ पे कार्यकर्ता नेता लोग मौजूद है, युवा नेता मौजूद है। मनोज सिंह हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए। बात करें, आप लोग ने जो प्रोटेस्ट किया है, क्या बोल रहे हैं? मैं समाजवादी का युवा का जिला अध्यक्ष हूँ और मैं इसके ये महाराष्ट्र शासन जो समाजवादी राशन की दुकान पे राशन जो दे रही है और जो किट पे गणेश भगवान का फोटो रखे हैं, ये फोटो का हम लोग निषेध कर रहे हैं, क्योंकि ये फोटो आदमी यूज़ करने के बाद ये किट को कोई गटर में फेंकेगा, कोई रोड पे फेंकेगा, तो इसमें देवताओं का अपमान है। इसलिए समाजवादी पार्टी रोड पे उतरी है और इसका निषेध करती है। किस तरह से आपने इसको देखा, क्या है अपमान? जी, हमने देखा है इसको, कचर कुंडी में देखा है, इसीलिए हम लोग आज रोड पे उतरे हैं। किसी का कोई इंस्ट्रक्शन है गवर्नमेंट की तरफ से कि थैली इस्तेमाल करने के बाद क्या किया जाएगा? हमारा यही है कि अगर आप ये राशन दे रहे इस थैली में, तो इस राशन की थैली को वापस आप अपने पास मंगा लीजिए, क्योंकि जो भी लेके जाए घर पे तो उसको रोड पे ही फेंकेंगे या कचर कुंडी में ही डालेंगे। और क्या कहना चाहेंगे इसके पैदान? महाराष्ट्र सरकार द्वारा जो हमारे गणेश भगवान जी की जो तस्वीर लगाकर ये रेशनिंग पर प्रचार किया जा रहा है, हम इसका निषेध करते हैं और हम महाराष्ट्र सरकार से गुजारिश करते हैं कि इस थैली को हर राशनिंग की दुकान पे आप आदेश दीजिए, या तो इसको रिटर्न लीजिए और या तो इसकी छपाई बंद कीजिए, क्योंकि ये देवी देवताओं का अपमान हम समाजवादी पार्टी के लोग और हिंदुस्तान के लोग, भारतवर्ष के लोग कभी सहेंगे नहीं इसको। हम इसका निषेध करते हैं। हमारे साथ फवाद आजमी भी मौजूद है, युवा नेता है समाजवादी पार्टी के, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, तो सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि लोगों का अस्तित्व इतना नहीं गिर जाना चाहिए कि राजनीति में किसी बोलते भगवान को यूज़ किया जाए। ये भगवान को ही यूज़ किया जा रहा है, वो अपनी राजनीति के लिए ना बोलते ना कि यूज़ कर रहे थे, लेकिन उनके मुंह पे एक चप्पल जैसा मार लगा है। ये CM साहब है, मोदी जी हैं, ये एक हमारे बोलते ना हिंदुस्तान के माने जाने शख्सियत लोग हैं, इन्होंने एक गणेश भगवान को यूज़ किया, तो गणेश भगवान ने दिखाया कि बेइज्जत हो रहे हैं। आज ये गली गली घर घर हिंदू भाइयों के बीच में गिर चुकी है और इनकी गिरी हुई राजनीति भी लोगों को दिख के आ रही है। तो ये चीज़ समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। हम लोग इस चीज़ का निषेध करते हैं और इसको जल्द से जल्द बंद होना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पॉलिटिशियन लोगों को ये समझना चाहिए कि भगवान का जो दर्जा है वो बहुत अहम है, उन्हें भगवान को पॉलिटिक्स में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और जिस तरह से इसका यूज़ होगा, यूज़ करने के बाद जब इसे कचरे में या कहीं पे फेंका जाएगा, तो इससे भगवान का अपमान होगा और ये अपमान के लिए आज समाजवादी पार्टी यूथ के तरफ से सब लोग जुटे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी आवाज़ सरकार के कानों तक जाएगी और ज़रूर वो इसे इसके ऊपर कोई ना कोई एक्शन ज़रूर लेंगे। हमारी मांग है कि वो भगवान को अपमानित ना करे और हम लोग हिंदू मुस्लिम की एकता के लिए यहाँ जमा हुए, हम सारे मुस्लिम भाई चाहते हैं कि हमारे गणेश जी का अपमान नहीं किया जाए किसी भी पार्टी के द्वारा।
संजय जी, जिस तरह से थैली आप लोग के हाथ में देख रहा हूँ मैं, क्या आप लोगों ने राशन दुकान पे जाके इस तरह की कोई अपील किया लोगों से कि इस तरह की थैली को ना ले? हमने राशन की दुकान में, राशन के ऑफिस में एक एप्लीकेशन दी है कि इस थैली को बंद किया जाए, राशन की दुकान पे नहीं। थैली तो अभी दुकानों तक पहुँच चुकी है, तो कहीं ना कहीं लोगों के बीच में जा चुकी है, तो आप लोगों इसके बारे में क्या कदम उठाएंगे? जी, इसको पूरी तरह से बंद कराएंगे, या तो रेशनिंग ऑफिसर को बोलेंगे जिस जिसके घरों पे अभी तक ये थैली गई है वो रिटर्न लाकर रेशनिंग की दुकान पर दे दे। और हम हमारे मोहसिन अंसारी साहब का स्वागत करते हैं जिन्होंने हमारे हिंदू देवी देवताओं के बारे में ये तस्वीरें छपा कर कहीं गलत जगहों पर इसको फेंका ना जाए, उन्होंने जो एक पहल की है हम उनका स्वागत करते हैं। और हम चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम की एकता बनी रहे, हमारा भारतवर्ष उन्नति और तरक्की की तरफ चले, हमारे गरीब जो जनता है उनको रोजी रोजगार मिले और अमन अमान बना रहे और खुशहाली रहे देश में। कहना चाहते हैं कि ये जो बैग्स है ये डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, हम आम लोगों से अपील करना चाहते हैं कि जिस किसी के भी घर में ये चीज़ पहुँची है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, वो इस चीज़ को संभाल के रखे, इसे फेंके नहीं, ख़ास तौर से मुसलमानों को, क्योंकि इसमें भगवान गणेश जी का फोटो है, उसे संभाल के रखे, इसे कचरे में या कहीं पर भी फेंक के इसकी बेअनुमति ना करें। मुस्लिम व्यक्ति ने इस थैली का फोटो जो है दिखाकर लोगों से अपील किया था, इस भगवान गणेश का जो फोटो है, इस तरह की थैलियां जो भी आती है इसका अपमान ना करें, जिसके बाद कई सारे लोगों ने इसका विरोध किया, थैली को बंद करने की बात की। वहीं आज जो है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इसको धरना प्रोटेस्ट किया है और प्रशासन से और राशनिंग ऑफिस वाले से मिलकर बात किया है और प्रशासन से अपील की है कि इस तरह की थैली को जल्द से जल्द बंद किया जाए ताकि भगवान का जो अपमान होने वाला है वो ना हो। नुक्कड़ लाइव से मैं निस्कान कोवंडी मुंबई। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, मैं मुसीन अंसारी फ्रॉम गोवंडी। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा अपने आगे सारे नेताओं से, सारी पब्लिक से, कि ये फोटो जैसे फडणवीस सर का फोटो है और हमारे शिंदे साहब सीएम और हमारे अजीत पवार साहब से भी मेरी रिक्वेस्ट है और हमारे माननीय मोदी प्रधानमंत्री जी के जो डिस्पोजल थैली के ऊपर आपने जो भगवान का फोटो बनाए, क्या इसके बारे में आप बताएंगे कि इसका इस्तेमाल होने के बाद ये थैली कहाँ जाएगी, कि ये वापस आपके पास आएगी या कचरे कचरगुंडी में जाएगी? तो ये जो फोटो आपने बनाया है, तो लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ या तो ये थैली राशन वाले को लाके रिटर्न दे या तो इसको हिफाजत से खत्म करें, ये रोड पे ना फेंके, क्योंकि कुछ दिनों बाद ये रोड पे दिखेगी। और आप लोग 2-4 किलो राशन के लिए किसी का अपमान ना करें, खास करके भगवानों का, क्योंकि आज जो वक्त चल रहा है हिंदुस्तान का काफी खतरनाक दौर है, तो इसमें हम खुद को आगे आना पड़ेगा और 2-4-5 किलो राशन के लिए हमारा ईमान ना बेचे। खास करके रिक्वेस्ट करता हूँ जो जो ये राशन की थैली इस्तेमाल किया है, ये राशन की थैली राशन वाले को ठीक वापस ला के दे दे, भले से सामान आप रख ले मगर थैली ये रिटर्न ला के दे, क्योंकि यूज होने के बाद ये रोड पे दिखेगी। तो आई रिक्वेस्ट टू माय और मुंबई गर्ल्स, प्लीज इस पे कुछ ध्यान दे, खास करके इस फोटो पे, इन फोटो की हमें कोई परवाह नहीं है, बस।